हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो चलिए अपनी बिगिनर्स कोर्स की सीरीज में डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जो भी बच्चा पहली बार कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कर रहा है, स्वागत है आप लोगों का। चलिए ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं। ओके एवरीबॉडी, ये चल रहा है हमारा 21 डेज में 21 टॉपिक्स करने का प्रॉमिस। सो इस सेशन के बाकी सारे टॉपिक्स भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आज जब आप क्लिक करेंगे तो फटाफट से लेट द मैजिक बिगिन लिख दीजिए। एंड जेई के कंप्लीट एंड फ्री तैयारी करने के लिए ऑन यूट्यूब यू कैन डेफिनेटली रेफर टू दिस लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, tinyurl.com/jeeiwithnehamam, जहां पर मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ हर एक चैप्टर आपको मिलेगा, बिल्कुल बेसिक से लेके मेंस के PYQ सेशन, NTA अभ्यास क्वेश्चंस एंड इवेंचुअली एडवांस तक ये सेशंस जाते हैं। मेक श्योर टू चेक दिस आउट। एंड 100 मिनट्स का डेली डोज बेसिक्स में ये सेशंस आपके 70 से 75 मिनट्स के होते हैं, एंड उसके बाद DPP शेयर की जाती है ऑन दी ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ऑफ मैथमेटिकली इंक्लाइंड। कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर मुश्किल लगता है तो इतना प्रॉमिस करती हूँ कि अगले 70 मिनट तुम मुझे दे दो तो ये डर भी भाग जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस माई आर्मी। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैप्चर करने वाले हैं ड्यूरिंग दिस सेशन। एंड एक चीज़ मुझे चाहिए कि यार वीडियो मज़ेदार लगे तो लाइक ज़रूर करना, एंड वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके जाना कि 100 मिनट्स बेसिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स डन, ठीक है, और हार्ड चार्ट तो बना ही देना, ठीक है। चलिए तो धीमे धीमे करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलिए जी, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर से किस प्रकार के आपके सवाल आते हैं। इनफैक्ट कम से कम एक सवाल तो आता ही आता है आपके जेई के पेपर में। ऑलराइट, मूविंग टू दिस वन, आ जाओ जरा। ये भैया ऐसा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सिस्टम है जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना, ये हमारा बचपन का प्यार है। सो व्हाट डू वी मीन इज ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। बेसिकली अभी तक तो हमको यही पता था यार सबका बाप रियल नंबर्स है, करेक्ट, देन इरेशनल तो अलग होते हैं, राइट। तो सब के सब रियल नंबर्स की दुनिया में समाए थे, अच्छी खासी अपनी लाइफ चल रही थी कि सडनली कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी, तो पड़ी क्यों। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यार ऐसी इक्वेशन आ गई, ठीक है, अब इसका रूट क्या निकालोगे। आज तक तो आप यही कहते रहे कि x² = -1, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि रियल नंबर्स में कभी भी ऐसा हुआ है यार कि आपने किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव देखा हो ना। जब हमने डोमेन रेंज के भी क्वेश्चन लगाए तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि यार ये चीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो मैं क्या करूँ। इसका मतलब सिंपल सा था कि यार यहाँ पे अगर x² = -1 है, इस -1 को ही वो कहते हैं ना कि यार जो प्रॉब्लम हो लाइफ में उस प्रॉब्लम को ही अपना दोस्त बना लो, तो बस यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पे आपके -1, इन शॉर्ट ये क्या होगा, x = बेसिकली मैं इसको ये अगर मैं ये नाम दे दूँ, ठीक है, आपका ये जो नंबर है इसको हमने कहना शुरू किया आयोटा, ठीक है, आयोटा जो हुआ आपका इमेजिनरी यूनिट, ठीक है। तो भैया ये हम एक इमेजिनरी ही दुनिया में चले गए, एंड यहाँ से बेटा मैथ्स ने एक जो मोड़ लिया है, ओहो अलग ही लेवल की दुनिया बना दी। यानी कि ये x = आप टेक्निकली करोगे +-√-1, इस √-1 को हमने आयोटा बनाया, एंड इसी के ऊपर पूरा का पूरा तुम्हारा चैप्टर टिका हुआ है। आई होप ये चीज़ मुझे समझ आ रही है। तो वो क्या कह रहे हैं, स्क्वेयर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर इज नेवर रियल, एंड इसलिए उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो आज सब के सब इस वक्त स्पैम कर दो चैट सेक्शन में कि iota = √-1, और भाई मूवी देखने नहीं आए इसलिए मेक श्योर कि आपकी नोटबुक और पेन आपके पास है। देखो ये सारे नोट्स मेरी हैंड रिटन वाली चीज़ों के साथ भी तुम्हें मिल जाएंगे PDF में, जैसे ये वीडियो कम से कम 1200 लाइक्स क्रॉस करता है विद इन द सेशन। लेकिन खुद से भी चीज़ें साथ साथ करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबके सब ये स्पैम कर दो कि iota = √-1, ठीक है। अब उसके बेसिस पे इसको क्या लिखोगे,
इसको आप लिख दोगे यार रूट थ्री टाइम्स आयोटा, है ना। इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिख दोगे यार ए टाइम्स आयोटा, एंड इसको क्या लिख दोगे रूट टू टाइम्स आयोटा। चमका, यस और नो? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। ये चीज़ चमक गई, चमक चमक हो गई, ठीक है। इमेजिनरी दुनिया में हम एंटर कर चुके हैं, इसके बाद आया एक्चुअली सबका रियल बाप, समझ रहे हो। तो ये सब कुछ जो था कॉम्प्लेक्स नंबर जितना बड़ा सेट हुआ कि सब के सब आप उसके अंदर ठूस सकते हो। यस, आप अपने रियल नंबर को भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। तो अब समझते हैं कि इस नंबर को लिखते कैसे है ना। आज तक तो हम नंबर्स लिखते थे भैया, जब आपने नेचुरल्स की बात करी तो मुझे पता था मैं 1 2 3 ऐसा ऐसा करके जाऊंगी। जब आपने होल नंबर्स की बात करी तो मैंने कहा कोई नहीं यार, हम जीरो से स्टार्ट कर देंगे यार, ऐसे ऐसे करके जाएंगे। इंटीजर्स की बात करी तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर दोनों तरफ शुरू हुए। फिर रैशनल नंबर्स यानी कि जो पी बाय क्यू के फॉर्म होते हैं, इरैशनल नंबर्स, सब कुछ रियल नंबर में था, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हुआ। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, बड़ा वाला सी। कुछ जगह पे आप ऐसे भी देखोगे सी का हल्का सा ऐसे लगाया होता है, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब डिनोट कैसे करोगे, सबसे सिंपल सिंपल फॉर्म, इसको क्या बोलोगे, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा बेसिक वाली फॉर्म है, क्या करते हैं x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। x को बुलाते हैं रियल पार्ट, y को बुलाते हैं इमेजिनरी पार्ट, इस यूनिट को बुलाते हैं इमेजिनरी नंबर या आयोटा जो मुझे पता है। तो फटाफट से अगर मैं आपसे पूछूं इसका रियल पार्ट क्या है, तो आपको सोचना भी नहीं है। सवाल में कह रहा है इन z इक्वल टू दिस व्हाट इज द रियल पार्ट, तो आप बोलोगे 4, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं r e ऑफ z यानी रियल पार्ट ऑफ z इज 4 एंड आई एम ऑफ जेड यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज 1 एंड आयोटा क्या है, इमेजिनरी यूनिट है। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल। ये तो जी छोटी छोटी सी नोटेशन थी, कुछ था ही नहीं। इसमें जरा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट लिखो तो मैं मानू क्या होता है, तो मैं मानू कि यार बच्चों को चमक रहा है कि नहीं। यस और नो? कमॉन 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 बच्चा, लेट मी सी। चलिए चलिए, लेट मी सी यहाँ पे कितने बच्चे इसको पकड़ पा रहे हैं। हाँ जी, तो इसमें आपने क्या किया, 1 - 2 आयोटा स्क्वायर। बॉस आयोटा स्क्वायर तो -1 है, करेक्ट। तो इतनी जल्दी दौड़ भाग मत करना, ये -1 यानी कि ये एक्चुअली 3 है। तो 3 को मैं कैसे लिखूंगी, 3 को मैं कैसे लिखूंगी, 3 को मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ ना, 3 + 0 आयोटा। याद रखो, अरे बहुत सारे बच्चों ने शुरू में गलती कर दी जो बोल रहे हैं रियल पार्ट 1 होगा, इमेजिनरी पार्ट -2 होगा। ना गोरिए बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर ना, यही तो गुगली फेंकी थी नेहा मैम ने, a प्लस बी टाइम्स आयोटा। याद रखना इसकी एक और बड़ी चीज कि यहाँ पे ये जो आपके a या b बोलो या x और y बोलो, ये हमेशा रियल नंबर होते हैं, ठीक है। ये अपने आप में हमेशा रियल होते हैं। तो कितने सारे बच्चे मुझे 1 जवाब दे रहे हैं जो रियल का, ना ना ना, ये अगर तुम्हारा z है तो रियल पार्ट ऑफ z मुन्ना 3 है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 है। ये मैंने तुम्हें धोखा दे दिया थोड़ा सा, देख रहा है विनोद, धोखा दे दिया तुम्हें, थोड़ा सा फंसा दिया। कैसे, आयोटा स्क्वायर दे रखा था, दिस इज द जनरल फॉर्म बेटा, आयोटा नहीं था, आयोटा स्क्वायर था। अब समझ गए, यस और नो एक बारी चैट में। अरे समझ आ गया तो जल्दी से हार्ट छुड़ा दो इन द चैट सेक्शन। चलो मुझे भी समझ आ जाए ताकि बच्चों को आ गया, ये बात, हार्ट आने शुरू हुए, अमेजिंग, चलिए ग्रेट। तो ये चीज़ हो गई है क्लियर। अब ज़रा समझते हैं, देखो जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी तो अपने आप में आपका पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, करेक्ट। अब बहुत मेजर चीज विच यू कम अक्रॉस इन क्वेश्चंस, प्योरली रियल नंबर या प्योरली इमेजिनरी नंबर, क्या मतलब हुआ प्योरली रियल, मतलब अगर मेरे पास a प्लस आयोटा b है तो यानी यार जो इमेजिनरी पार्ट है वो खत्म है, तभी आप किसी को प्योरली रियल बुलाओगे ना, है ना। अच्छा, और अगर प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब रियल पार्ट 0 है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जैसे 3 लिखा था, ये प्योरली रियल नंबर है, सबको पता है, लिखा आप ऐसे सकते हो वो चलेगा, लेकिन है तो प्योरली रियल। उसी प्रकार से अगर मैं 3 आयोटा आपको दे दूँ तो आप उसको लिख ऐसे सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट है तो ये प्योरली इमेजिनरी। चमका
क्योंकि यही सारी नोटेशंस ना तुम्हारे क्वेश्चन में आएगी, फिर तुम जरा सोचने लग जाते हो कि हाय हाय क्या था, इसका मतलब क्या हुआ। अब चमक गया सबको, यस और नो? ओके, मुझे एक बात बताओ यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम ये चीज, रूट ए इंटू रूट बी इज रूट ए बी। मेरा सवाल है, क्या ये हमेशा सही होता है? मतलब क्या हुआ, अगर मैंने बोला रूट टू इंटू रूट थ्री, तो आपने झटपट आंसर दे दिया यार ये तो रूट सिक्स होता है, क्योंकि आपने टू इंटू थ्री कर दिया, करेक्ट। पर ये क्या हमेशा सही होगा? हमेशा सही होगा? याद रखो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, ठीक है? क्या वो कह रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ द ए एंड बी इज ईदर पॉजिटिव और जीरो, या तो कोई ए या तो कोई बी, कम से कम एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा या फिर कम से कम एक को जीरो होना पड़ेगा। यानी वैसे तो इन जनरल ये होल्ड करेगा, लेकिन इट इज इनवैलिड फॉर बोथ ए एंड बी लेस देन जीरो। कैसे 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 नहीं हम, कैसे हुआ जरा बताना तो सही इसको। यस, ये देखो जरा, तो मैंने आपको बोला कि यार ऐसा है, मैंने दोनों को नेगेटिव लिख दिया है, रूट टू एंड रूट, दोबारा से लिख लेती हूं। हाँ, मैंने ये एग्जांपल लिया है और मैं ये कह रही हूं कि यार ये बराबर ना माइनस टू इंटू माइनस थ्री यानी कि रूट सिक्स के होगा, तो एम आई राइट इन सेइंग दिस? सिंपल सी बात है ना, क्यों इनवैलिड है? मैंने LHS लिखा, ठीक है? अब सबको पता है यार ये तो भैया अब तुम्हारे खून में हो जाना चाहिए, ये टैटू है। चलो इस रिजल्ट को सब टैटू बना के मेरे को भेजे, जल्दी से बोलो टैटू कर दिया कि रूट माइनस वन आयोटा होता है, तो ठीक है इसको मैं यानी रूट टू आयोटा लिख सकती हूँ। अच्छा जी, इसको भी रूट थ्री आयोटा लिख सकती हूँ, बिल्कुल जी, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, रूट टू इंटू रूट थ्री, तो रूट सिक्स इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर तो मेरी जान माइनस वन होता है, एंड आप कह रहे हैं कि ये रूट सिक्स के बराबर हो जाएगा, ये कहाँ का इंसाफ है माय लॉर्ड? ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो कहाँ का ही इंसाफ हो गया, ये तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल गलत है, समझ रहे हो? टैटू किया, वेरी गुड। तो यानी एक चीज तो भैया अपने को क्रिस्टल क्लियर हो गई है, वो क्या, वो ये कि किसी ना किसी एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा या जीरो होना पड़ेगा, दोनों नेगेटिव के लिए ये रिजल्ट इनवैलिड हो जाता है, यहाँ पे लिख रखा है तुम्हारे लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब मेरी जनता बताएगी। चलो जी, बड़ी बड़े बड़ा 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 जल्दी 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 कर दो इसको, इसका क्या आंसर होगा? सिंपल है ना, रूट थ्री आयोटा एंड रूट सेवेंटी फाइव आयोटा, ठीक है? तो रूट थ्री इंटू, अभी मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, आपको पता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे लिखते हैं, इसको फाइव से करो जरा मल्टीप्लाई, तो फाइव वन जा फाइव, फिफ्टीन फाइव जा फाइव, थ्री जा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो फाइव रूट थ्री, और ये तो आयोटा स्क्वायर हो ही गया है, ये रूट थ्री ये रूट थ्री, तो फिफ्टीन आयोटा स्क्वायर। आई थिंक सबको चमक गया होगा आंसर सी। कितने बच्चों का आंसर सी आ गया? क्या बात है मेरी जान, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आंसर माइनस फिफ्टीन आ चुका है। देखो बहुत सारे के सारे 21 टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है? किसी की सीक्वेंस ऊपर नीचे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें अपने 21 दिन देने हैं, और अगर कोई और टॉपिक चाहिए तो जैसे कि आपके लिए पोल चल ही रहा है वो बता देना मुझे, ठीक है जी? दिस इज सॉर्टेड। ओके, अब आया बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, यानी आयोटा को मैं किसी इंटीजर वाली पावर से रेज कर दूं तो क्या होगा। तुम्हें ना लाइफ में बस ये दो चार चीजें याद रखनी है, क्या ये तो तुम्हारे तुमने टैटू ही करा लिया, ठीक है? पता चले सुबह मम्मी पापा देख रहे हैं जी यार टैटू बना पड़ा है, रूट माइनस वन इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन हमें पता है, आयोटा क्यूब को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा इज माइनस आयोटा ऑफ कोर्स, एंड आयोटा रेज टू पर फोर हो जाएगा वन। बस आपको अगर इतना चाहे इतना मिल गया तो तुम दुनिया भुला दोगे,
समझ रहे हो, मतलब एक ये चीज तुम्हें पास चल गई, तुम कुछ भी उड़ा दोगे। नेगेटिव पावर्स पे बाद में आऊंगी, अभी मेरे पास तुम लोग के लिए एक सवाल है। सारे के सारे बच्चे हमारे बता सकते हैं आयोटा रेस टू पार 2023 कितना होगा? अगर तुमको बस इतना पता है कि आयोटा रेस टू पार 4-1 है, तो भैया तुम दुनिया जीत सकते हो। ठीक है, तुमने करना क्या है, हर एक नंबर को बस 4 से डिवाइड करके देख लेना है। तो मैं 2023 को 4 से डिवाइड करूंगी। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या होता है, जल्दी बताओ। अच्छा, मेरे कान में बता दो क्या। हाँ बिल्कुल ठीक, लास्ट टू नंबर्स को बस देखते हैं कि ये डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं, बाकी का रिमाइंडर हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे मेरे को पता है कि मेरा जो भी होगा, मैं 2023 को थोड़ी देर के लिए भूल जाती हूँ, पर आपको पता है 4, 5, 20 लेके ये आएगा। देखो मेरे को भी पता है कि ये नहीं होगा, इसके क्या होगा, 4, 5, 20, 0, 4, 5, 20 ऐसे आएगा ना, ये ऐसे आएगा एग्जैक्टली। तो ये तो आयोटा रेशो पर 4-1 है, तो 1 को किसी भी इंटीग्रल पावर पे चढ़ा दो, उसने 1 नहीं देना है। तो बचेगा क्या, आयोटा क्यूब जो माइनस आयोटा है, चमका कि नहीं। अगर चमक गया है तो एक बारी हार्ट्स इन द चार सेक्शन उड़ा दिए जाए, हार्ट्स इन द चार सेक्शन बहुत सारे उड़ा दिए जाए। यस बिल्कुल चमका, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब आई वॉन्ट टू आस्क अनदर थिंग। अब यार अगर ये तो भैया पॉजिटिव इंटीग्रल है, अगर आयोटा रेस टू पार माइनस एम होता तो क्या होता। अब ध्यान से समझ लो, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ एक ब्लैंक शीट पे तुम्हारे लिए। आयोटा रेस टू पार माइनस 2023 होता तो मैं क्या कर लेती यार, तो मैं क्या कर लेती, है ना। समझो ध्यान से, इसके अंदर आप इसे पहले तो ऐसे लिख दो रेसिप्रोकल फॉर्म में, ठीक है। ये अभी हमने कैलकुलेट किया, इसलिए मैं दोबारा नहीं करूंगी। एक चीज समझ लो, क्या एलर्जी, हमें किससे एलर्जी है जल्दी बताओ। हमें एलर्जी है कि यार आयोटा है ना डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। भाई तू जो मर्जी कर ले, आयोटा डिनोमिनेटर में तेरा आया तो बस तू खत्म, समझ रहे हो। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म मेरी क्या कहती है, एक्स प्लस आयोटा वाई ऐसे होता है, डिनोमिनेटर में थोड़ा ना होता है। तो अब मैं क्या करूँ कि आयोटा निकल के ऊपर आए। ऑब्वियसली आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इट्स लाइक रैशनलाइजिंग। तो ये क्या आ गया, आयोटा नीचे क्या आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर। अरे मुन्ना, आयोटा स्क्वायर तेरा माइनस वन है, तो ये प्लस वन दे देगा, तो इसका आंसर आयोटा आ गया है। क्या ये चीज समझ में आई, यस या नो? भैया तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बेसिक्स तो तुम्हें हर जगह चाहिए ही चाहिए। अरे एलर्जी याद कर लेना कि भैया आयोटा नहीं, हमें डिनोमिनेटर में है, हमें हटाना पड़ेगा उससे अगर हमने आगे चलना है, ठीक है। वेरी गुड, चलो ये चीज हो गई, यही स्टेप्स लिखे हैं, यूजिंग इट्स रेसिप्रोकल एंड इंश्योर देयर इज नो आयोटा इन द डिनोमिनेटर। आ जाओ फिर एक प्यारा सा सवाल तुम लोग के लिए, कर डालो इसको यार जल्दी से, सारे के सारे बच्चे स्पैम कर देंगे इसे। एंड लाइक नहीं बढ़ रहे यार, मैं नहीं खेल रही, बोर्ड बुरा मान जाएगा बेटा, आगे नहीं चलने देगा मुझे स्लाइड्स। आयोटा रेस टू पार 59। अब आपको यार अगर आप इसको 4 से डिवाइड करके देखो, ठीक है, आपने सिर्फ 4 से डिवाइड करके देखना है। आपको पता है ना 15 4 60 होता है, यानी कि 4 into 14 56 होगा, आयोटा क्यूब बच जाएगा, इसमें तो 1 ही हो जाना है, माइनस आयोटा आएगा। कितने बच्चों ने माइनस आयोटा उड़ा दिया है, कितने बच्चों ने माइनस आयोटा उड़ा दिया है, अरे हाय क्या बात, वेरी गुड। चलो अब ये करके दिखाओ। अरे यार 3 नंबर लिख दिए तो तुम डर जाओगे, 3 नंबर लिख दिए तो तुम डर जाओगे, बिल्कुल भी नहीं, तुम उड़ा दोगे, तुम हर एक को एक एक करके उड़ा दो, है ना। चाहो तो देखो आयोटा रेस टू पार 30 क्या होगा, अब तो देखो आपको ना ऐसे पता चलने लग जाएगा, 30 है, 4, 7, 28 आयोटा स्क्वायर बचेगा। लिख देती हूँ या स्टेप स्टेप खेलने के लिए, मुझे बता देना अगर हम ज्यादा फास्ट या स्लो जा रहे हैं तो। ये 1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, अच्छा जी। आयोटा रेस टू पार 40 यार ये तो पूरा ही 4 का मल्टीपल ही हो गया ना, तो इसने तो 1 ही देना है, आयोटा रेस टू पार 4 1 होता है, तो उसने 1 ही होना है।
अच्छा आयोटा रेज टू पावर 60, यार ये भी तो पूरा डिविजिबल है ना, तो इसने भी 1 होना है। अब मैं सबको ऐड कर दूँ तो -1 + 1 + 1, तो फन आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया। यस और नो, जल्दी 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 बच्चों, है ना, ये हुई ना बात, वेरी गुड, अमेजिंग। चलिए एक और चैलेंज आपके लिए, आयोटा रेज टू पावर -18, आयोटा रेज टू पावर -20। मुझे पता है मैं आराम आराम से जा रही हूँ, धीमे धीमे लेवल बढ़ाएंगे ना, इतनी जल्दी किस चीज़ की है ना, अपने पास 70 मिनट बस। 1/iota^18, ठीक है, क्या होगा, आयोटा रेज टू पावर 4, ऐसा आयोटा स्क्वायर बच जाएगा। ये तो भैया बहुत ही कृपा है भगवान की, हमें आयोटा मिला ही नहीं, हमें आयोटा मिला ही नहीं डिनोमिनेटर में, ठीक है। अगले पे आ जाओ, ये तो वैसे ही कमाल है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ऐसे 1 ही हो जाएगा। तो -1 + 1, अ हैप्पी अंडा टू यू, ठीक है, अ हैप्पी अंडा टू यू, वेरी गुड। सारी के सारे इन सेशंस की पीडीएफ आप लोग को कहाँ पे मिल रही है, एब्सोल्युटली टेलीग्राम, सॉरी पीडीएफ आपको मिल रही है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1000 लाइक के बाद, एंड टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो रहे हैं आपके डीपीपीज। तो आप जब ज्वाइन करते हो फाइल सेक्शन में जाना, आपको सारे के सारे डीपीपीज एक एक करके लगे हुए मिल जाएंगे। ग्रेट, काफ़ी सारे बच्चों ने अंडा दे दिया है, वेरी गुड बेटा। आ जाओ अगला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आयोटा रेज टू पावर 57 में तो वैसे ही हमें दुख दर्द पीड़ा है नहीं, देखो ठीक है, क्या करोगे, आपको पता है ना क्या, 14 × 4 = 56 हो जाएगा, सिर्फ आयोटा बचेगा और वही आंसर है। अच्छा ये क्या है, आयोटा रेज टू पावर 125, सिर्फ आखिर के दो देखने हैं, तो आपको पता चल गया है कि यार देखो 4 × 6 = 24, रिमाइंडर एक बचेगा। अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, चलो एक बार ही और लिख देती हूँ, है ना, तो 1/iota बच जाएगा। एलर्जी एलर्जी समझ रहे, ये ना चलेगा, हमें हमको तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, ऊपर नीचे आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो आंसर तो बेटा अब भी अंडा आया, कितने अंडे खाओगे, ठीक है। आई होप हमको ये चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से चमक गई है कुल। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे थे नेहा मैम कुछ चैलेंज हो जाए, शुम शुम कुछ चैलेंज हो जाए, तो आओ फिर चैलेंज चैलेंज खेलो, मैं भी देखूँ इसको कितने बच्चे उड़ाते हैं। आयोटा स्क्वायर आयोटा रेज टू पावर 4 आयोटा 6 खटर फटर खटर आपको दे रखा है, अब क्या करोगे, थोड़ा सा पैटर्न समझो। 2n + 1 यानी कि आपके पास ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, तो अगर मैं पहले 3 लेके देखूं, तो यहाँ देखो आयोटा स्क्वायर -1 है, ये +1 है, आयोटा रेज टू पावर 6 आपको ऐसे दे रहा है, करेक्ट, ये दोनों आपस में कट्टी कट्टी हो गए, ये आपको -1 दे रहा है, ओके। यानी कि अगर मैंने 5 कर दिए ऐसे नंबर, तो आयोटा स्क्वायर आयोटा 4 आयोटा 6 आयोटा 8, तो इसकी भी यही हालत है क्या, ये देखो -1 है, ये देखो 1 है, ये देखो -1 है, ये देखो फिर 1 है। अच्छा मैंने कहा था ऑड नंबर लेंगे, है ना, अच्छा ये तो यार ये आपस में कट गए, आयोटा रेज टू पावर 1 फिर -1 दे देगा, तो यानी जब तक है ऑड नंबर आंसर अपना -1 आना है। तो इसको मैंने थोड़ा सा तुम लोगों के लिए चैलेंजिंग बना दिया, मैंने कहा बेटा अब आओ तुम, बेटा अब आओ तुम और बताओ, यस। हाँ कई बच्चों को ये भी पता चल गया कि मैम ये एक जीपी है, बिल्कुल ठीक, आप वैसे भी सोच सकते हो कि जिसका फर्स्ट टर्म आयोटा स्क्वायर है जो कि -1 है, एंड कॉमन रेशियो फिर से आयोटा स्क्वायर है, तब जीपी जीपी भी खेल सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है आपकी मर्जी। अब ये वाले को आप पे करना, मुझे कमेंट सेक्शन में भी आंसर बता सकते हो, ठीक है, मैं सामने पोज मार के खड़ी हो जाती हूँ ताकि तुम आंसर ना देख पाओ, छुपा दिया, अब ये करके दिखाओ, अब मैं भी मानू अगर इसको दिखाओ तो, करके चैलेंज है बॉस, आ जाओ जरा देखे तो सही। हाँ जी क्या हो रहा है इसके अंदर, इतने सारे नंबर दे रखे हैं भाई,
आयोटर इज 592 590 588 586 584 टका 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 टका। क्या मेरे को हर एक को सॉल्व करना पड़ेगा कि मेरे पास दिमाग ज्यादा है थोड़ा? ज्यादा है थोड़ा मतलब क्या मेरे को एक्चुअली हर एक को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा? मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ऊपर नीचे 10 टर्म्स को सिंप्लीफाई करूँ फिर जवाब दूँ, या मेरे पास दिमाग है कुछ और करने का? जरा सा ध्यान दो यहाँ पे। इसके अंदर सबसे छोटा क्या है? आयोटा रेस्ट पर 584 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? देखो यार ये 84 एंड 8 92 देगा ना, अच्छा ये क्या देगा 584 एंड ये क्या है 6 देगा, अच्छा ये 4 देगा, ओके ये तो 1 दे रहा है, छोड़ दो इसको इसकी हालत में। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है 574 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 582, तो यार इसमें अगर 8 ऐड कर दूँ तो 582 मिलेगा, बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट वाले में 6 ऐड कर दूँ, फिर 4 ऐड कर दूँ और फिर फाइनली स्क्वायर ऐड कर दूँ, एंड यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है कि मैं आयोटा स्क्वायर तो खा गई हूँ। ऐसे होता है जब आप ठीक टाइम पे खाना नहीं खाते, ठीक टाइम पे जो बच्चा खाना नहीं खाता वो नंबर ही खाता है फिर, है ना, या किसी का दिमाग खाता है। चलो तो ये हो गया बॉस, ये तो कट गए, ओहो ये तो कट गए बॉस, तो इसका मतलब क्या मिलेगा मुझे? आयोटा रेस टू पावर 10 टेन टन टेन 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 टारा, आ गया है आंसर हमारा। अब आपको पता ही है इसको 4 से डिवाइड कर दो तो क्या ही मिलेगा आपको? आयोटा स्क्वायर जो कि -1 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी आयोटा रेस टू पावर, हाँ यही बच रहा ना, आयोटा रेस टू पावर 10 बच रहा है ना, 584 यहाँ से लिया था 5 से, बिल्कुल, तो ये आयोटा स्क्वायर यानी -1 बच रहा है, ये ऑलरेडी -1 है तो -2 आ जाएगा आंसर, तो -2 आ जाएगा आंसर, वेरी गुड। हो गया क्या एवरीबडी? हो गया क्या? चलिए जी, वेरी गुड, अमेजिंग। अगर ऐसा हो गया है तो फिर थोड़े से हार्ट उड़ा दो यार, ताकि मुझे भी बहुत खुशी हो जाए कि बच्चों को चमक गई ये चीज। यस ऑर नो? वेरी गुड, चलिए ग्रेट 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 ग्रेट, ओके तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने को कहा था बेटा, पीछे नहीं। तो अब मेरे को जनरलाइज करना है ना, अब मेरे को जनरलाइज करना है कि यार क्या लिखूं मैं इसके अंदर, तो क्या बोलोगे? आयोटा रेस टू पावर 4n1 हो, 4n+1 मतलब देखो 4n तक तो सब कुछ ही 1 बन रहा है, 1 मतलब आयोटा बच जाएगा, आयोटा स्क्वायर मतलब -1 बच जाएगा, आयोटा क्यूब मतलब -आयोटा बच जाएगा। तो दुनिया वाले ऐसे कहते हैं कि ओ जी रिजल्ट है याद कर लो, ओ जी रिजल्ट है भाई साहब याद कर लो, इसमें याद करने वाला है क्या? ये तो हमने अभी प्रूव कर लिया है ना, जिसके अंदर n नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है। नेचुरल क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अगर माइनस इंटीजर भी आया तो मुझे नीचे ले जाके और सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आयोटा रेस टू पावर 10 कैसे आया? वाह बेटा वाह बेटा, ये आयोटा रेस टू पावर 584 एंड आयोटा रेस टू पावर 574 बचा, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से क्या मैं इसको 584 माइनस 574 ना कह पाऊंगी दोस्त? बस दैट्स इट। चलिए ओके नाउ लुक एट दिस, अरे भाई साहब तगड़े तरीके का रिजल्ट है, इससे तो प्यार हो जाएगा, इससे तो बिल्कुल प्यार हो जाएगा। क्या कह रहा है वो? एनी फोर, एनी ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 ही होगा, कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा मिल जाए और आप उनको ऐड कर दो तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। देख लो ना इसे यार, लॉजिक चलाओ, आयोटा रेस टू पावर यहाँ पे 4n कॉमन ही ले लो, तुम क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा आयोटा, यहाँ बचेगा आयोटा स्क्वायर और यहाँ बचेगा आयोटा क्यूब, ठीक है। आयोटा स्क्वायर क्या है? -1 है, आयोटा क्यूब क्या है? माइनस आयोटा, ये बेटा सारे के सारे मिलके अंडा दे गया है इन्होंने। यस ऑर नो? केडीएस मैम, बाजी मैम को केडीएस कर दिया, किल्ड डेड स्लॉटर्ड। चलो तो यहाँ पे आप देख लो, एग्जाम्पल में दे रही हूँ, अगर 80 आयोटा रेस्ट पर 80 81 82 एंड 83, मुझे मेहनत नहीं करनी, रिजल्ट मैंने प्रूव कर ली है, मुझे अंडा देना है सीधा सीधा। यस ऑर नो? सीधा सीधा अंडा देना है। अब इसका आंसर बताओ तो मैं मानूं, तो मैं
मैं मानूं तुम्हें यार, कुछ अलग से आता है बॉस। चलो ये करके दिखाओ, मजा आ रहा है कि नहीं? सच्ची सच्ची दोस्त, जो अंदर हो रहा है 250, 251, 252, 253, ये तो अंडा है। अरे आप अंडे से कुछ भी फाइनाइट मल्टीप्लाई कर रहे हो। सॉल्व थोड़ा ना करना है इसे, इसे तो कर देना है, बस बस कर देना है। ठीक है, वेरी नाइस, ओके। अब बढ़ते हैं आपके एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, अब वो सीखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है एंड कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज तुम्हारे साथ करने वाली हूँ। नाम से मत घबराना, काम में विश्वास रखना। क्या आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, आप उसे ऐड कैसे करोगे? एक बात बताओ मुझे, तुम्हें दो ऑर्डर्ड पेयर दिए होते थे तो तुम क्या करते थे? फर्स्ट और फर्स्ट साथ ऑर्डर पेयर का, सेकंड और सेकंड। बस इसमें भी क्या है, आपको ऐड करने के बोला, आपने रियल पार्ट और रियल पार्ट को मिला दिया और आयोटा कॉमन लेके इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मिला दिया। लो हो गया काम। तो मैं चाहती हूँ तुम लोग क्या करो, सारे के सारे 2+3 आयोटा एंड 6-4 आयोटा को फटाफट से ऐड करके आंसर स्पैम कर दो, आंसर स्पैम कर दो फटाफट से सारे के सारे बच्चे। कम ऑन माय आर्मी, लेट्स गो फॉर दिस, आ जाओ, चलो चलो आ जाओ आ जाओ। एग्जैक्टली तुमने क्या करना है, 2 और 6 को ऐड कर देना है तो ये आ जाएगा 8 and 3 iota and -4 8 iota। इतना क्यूट सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं और इसके अंदर, है ना, कुछ है ही नहीं बेटा इसके अंदर, इतना सिंपल है। अच्छा ये प्रॉपर्टीज क्या कह रही है, डरना नहीं है प्रॉपर्टी से। क्या कह रही है, क्लोजर क्या होता है कि यार दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूं तो मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, वाह ऑफ कोर्स, ठीक है। दूसरी क्या कहती है, कॉम्यूटेटिव, मैं Z1+Z2 करूं या Z2+Z1 करूं, एक ही बात है, बिल्कुल रियल नंबर की तरह। मैं 2+6 बोलूं तो भी 8 है, 6+2 बोलूं तो भी 8 है, इसका क्या नाम होता है, कॉम्यूटेटिव। अंग्रेजी की क्लास नहीं चल रही, नहीं हाँ मैम, ओके। एसोसिएटिव क्या मतलब हुआ, एसोसिएटिव का बड़ा फैंसी नाम है, ओ माय गॉड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कि यार तीन नंबर दे रखे हैं, ठीक है, मैं इन दोनों को पहले ऐड करूँ और फिर इसके अंदर ऐड करूँ, या मैं लास्ट टू को ऐड करके फिर फर्स्ट वाले को ऐड करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको हम क्या कह देते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब, एक बात बताओ यार मुझे, तुम आज बता ही दो, ठीक है, शर्माना नहीं बिल्कुल भी, अरे रुक जाओ। हाँ मैंने आपको बोला यार 23 के अंदर क्या ऐड करूं कि 23 आ जाए, तुम बोलोगे ये कोई पूछने की बात है, नहीं मैम ये तो आप मतलब छोटे नर्सरी के बच्चे को पूछ लो, वो भी बता देगा कि 0 ऐड करना है। तो ये जो 0 है या ये जो क्या है, ये क्या है, ये इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब कि ऐसा नंबर जिसको आपने ऐड भी किया तब भी ओरिजिनल नंबर एज इट इज रहा, उसकी आइडेंटिटी मेंटेन हुई, ठीक है। तो यार कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने बोला यार कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा 3+4 आयोटा, इसमें क्या ऐड करूँ तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिख दो, ओह माय गॉड कितना अलग हो गया यार, कितना अलग हो गया, है ना। इसी को हम लोग बड़ा अंडा बना देते हैं, तो बड़ा अंडा इज इक्वल टू छोटा अंडा प्लस छोटा अंडा इंटू आयोटा, और इसी को हम बोल देते हैं कि यार ये एडिटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर में, बताओ। एग्जैक्टली इस बात पर लाइक ठोक ही दो तुम, इतनी अजीब बात थी एडिटिव इनवर्स। अब मुझे खुद बताओ तुम लोग कि मैं ये 10 के अंदर क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए, क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए। अब बोलोगे नेहा मैम ऐसा है, बेसिक्स का सेशन करो, पर ऐसा भी ना करो कि मतलब यार ये क्या -10 ही होगा ना, यानी नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी भाई ऐसी कौन सी चीज़ हो गई, मैंने आपको नंबर दिया कि ये 2-3 आयोटा में क्या ऐड करूँ कि 0 ही बन जाए,
तो आप बोलोगे भाई तू इसके ही कर, नेगेटिव कर दे ऐड, माइनस टू प्लस थ्री आयोटा, ऐड किया तो क्या मिला, जीरो प्लस जीरो आयोटा, खत्म कहानी बेटा पियो पाली। यस, खत्म कहानी बेटा पी लो पानी, सिंपल है बस ये सारी प्रॉपर्टीज खत्म। बहुत मुश्किल थी क्या? बहुत मुश्किल थी क्या? डर लगा? नहीं लगा ना, वेरी गुड। सब्ट्रैक्शन ना कॉम्यूटेटिव है ना एसोसिएटिव है। हाँ, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाएगा। क्या है, सेम ही तो चीज़ है। मैंने आपको बोला थ्री प्लस फोर आयोटा एंड माइनस सेवन प्लस टू आयोटा को सब्ट्रैक्ट कर दो इस बार, तो आप क्या बोलोगे? करना वही है, रियल और रियल, ठीक है, थ्री माइनस माइनस सेवन, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, फोर आयोटा माइनस टू, मैंने क्या किया, इसे एडिशन की तरह ही खेल गई मैं, तो क्या आंसर दे दोगे, टेन प्लस टू आयोटा, खत्म कहानी, ठीक है, खत्म कहानी। सबको मिल गया कि नहीं? अच्छा, पानी पी लिया, बहुत अच्छी बात है। मैम सुनो, बेटा सुनाओ, बताओ बताओ, ठीक है, दैट्स इट, ओके। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सुनो, ऐसा है ये सब ना, हमें लगता है जैसे पता नहीं कौन सी हाई फाई मैथ्स है। रुक जाओ, रुको जरा, सबर करो, एग्जाम्पल ले रही हूँ, टू प्लस थ्री आयोटा, ठीक है, सेवन माइनस फोर आयोटा, ये करके दिखाओ। मल्टीप्लिकेशन के दोनों ब्रैकेट खोलने आते हैं, बचपन में सीखे थे, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तो बस ये प्यार ही है बचपन का, करो इसको जरा ओपन करो, क्या होगा। अब टू के साथ पहले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टू सेवन जा फोर्टीन माइनस एट आयोटा, अब थ्री के साथ करोगे तो प्लस थ्री इंटू सेवन तो ट्वेंटी वन आयोटा, एंड यहाँ क्या हो गया, फोर इंटू थ्री तो माइनस ट्वेल्व आयोटा स्क्वायर। अब बॉस एंड में ना आपको यही फॉर्म लेके आनी है जैसे मर्जी, तो रियल पार्ट कौन से होंगे यार, ये आयोटा स्क्वायर तो माइनस वन होता है ना, तो 14 प्लस 12 ले लेते हैं, एंड यहाँ आयोटा ले लो तो 21 माइनस 8 कितना हो गया, जल्दी बताओ कितना हो गया, एग्जैक्टली 13 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 26 प्लस 13 आयोटा। तो किसी को कोई दुख तकलीफ पीड़ा हुई दोनों को मल्टीप्लाई करने में? जल्दी बताओ मुझे कितने बच्चों का आंसर ये आया, और कोई भी दुख तकलीफ पीड़ा हुई हमें इसको मल्टीप्लाई करने में? बिल्कुल भी नहीं। अरे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है बाबा, उसके बाद इस फॉर्म में लिख देना, बस इन्ना सा करना काम, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यार, ऑब्वियसली दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कह रहे हैं मल्टीप्लाई करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, देख तो लिया, तो क्लोजर मतलब क्लोज्ड है कॉम्प्लेक्स के अंदर, बाहर नहीं जाने देगा ये। कॉम्यूटेटिव मतलब Z1 Z2 करो या Z2 Z1 करो, एसोसिएटिव मतलब तीन नंबर्स को कैसे भी करो मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये क्या कहती है, ओए होए। मैंने बोला यार कोई नंबर है 72, है ना, मैंने बोला यार इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं कि 72 आ जाए, सोचो जरा। मम्मी पापा पास बैठ के सेशन देख रहे हैं, बोल रहे हैं ये कौन से ग्रेड की मैथ्स हो रही है, 72 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 72 हो जाए। आप बोलोगे नेहा मैम ऐसा है, वन करोगे, और अब दुख ही मत करो ये बार बार पूछ के, ठीक है। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सी हमने रॉकेट साइंस उड़ानी है? ना, कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो यही कहता है ना कि यार जो भी नंबर है तेरा, 2 प्लस 3 आयोटा कोई बात नहीं, बेटा तू मल्टीप्लाई तो 1 से ही करेगा, बस 1 को ऐसे लिख देना। ओ माय गॉड, बस ये तरीका है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना, तो 1 ही बोलोगे आप, लेकिन इस 1 को 1 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हो। चमकिंग की नॉट चमकिंग बच्चे, चमकिंग की नॉट चमकिंग, है ना, बस बातों में हमने मल्टीप्लिकेशन भी उड़ा दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब तुम्हें कोई बोल दे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को दो मल्टीप्लाई करना है तो क्या ही है उसके अंदर, कुछ नहीं है ना, बस यही है ना, आया अभी तुम्हें डराता है टॉपिक। डिवीजन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कैसे करना है, दिस अपॉन दिस कर दो, लेकिन किंतु परंतु बंधु आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। टैटू याद आ गया ना, टैटू नहीं एलर्जी, आयोटा बॉस डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूं, मैं इसको याद कर लूं? अरे कभी भी नहीं, तेरे को कब कहा याद कर इसे,
कब कहा बेटा तुम्हें याद करो इसे, हैं? तुम्हें ये करना है, अरे ये नहीं करना यार, ये करना है। 2 + 3 iota अपॉन, मान लो है ना, मान लो 4 + 5 iota है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहली बात तो ये याद रखनी है यार, ये नॉन जीरो होना चाहिए ऑब्वियसली, वरना वो डिफाइंड ही नहीं होगा। इतनी तो डोमेन हमने पढ़ ली, क्या डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकती, अब मैं ऐसे तो इसे छोड़ नहीं जा सकती, ठीक है? क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, नहीं हवन नहीं करेंगे, हम इसे एक तरीके से रैशनलाइज करेंगे। तो क्या करेंगे? 4 - 5 iota, 4 - 5 iota। चलो इसका आंसर ना सब लोग अपने अपनी नोटबुक में करो। चल एक एग्जांपल देख लो फिर करना। ये तो यार मल्टीप्लिकेशन है, खोलो ब्रैकेट 2 के साथ करो मल्टीप्लाई, 2 × 4 = 8, ये आ जाएगा -10 iota, ये क्या आ जाएगा 3 iota and 4, तो 12 iota, करेक्ट। 3 × 5 - 15 iota square, वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, सही है ना? यहाँ क्या करोगे यार, यहाँ एक फील आ रही है मेरे को, कैसी a + b × a - b, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी a² - b² कर सकते हो, तो 4² - 5 iota square। अब इसके अंदर क्या है, आयोटा स्क्वायर तो तेरा -1 है, तो ये नंबर 15 हो गया, तो 15 and 8 = 23, एंड यहाँ क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 iota, 4² = 16 होता है, ये क्या हो जाएगा 25 iota square, आयोटा स्क्वायर मेरी जान -1 होता है, तो इसको सही से कैसे लिखूं, 23 upon, ये क्या हो गया 25 + 16 कितना हो गया 41 हो गया, ठीक है, तो 41 + iota × 2/41, तो लोगों को लगा ओ माय गॉड बड़ी हाई फंडू मैथ्स हो गई, समझ आया कि नहीं? एक बारी बता दो, एक बारी जरा हार्ट्स चमका दो चैट सेक्शन में, अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है कि नहीं, मतलब इसके अंदर क्या ही ऐसी चीज़ है जो तुम्हें नहीं समझ में आएगी, बस बस आयोटा को बेस में नहीं छोड़ना, बस यही काम नहीं करना और तो कुछ है ही नहीं। ब्रैकेट्स तुम ओपन कर सकते हो, याद रखना बीच में जब भी आयोटा स्क्वायर आएगा उसे -1 लिख देना, ठीक है? यही उसने कह दिया भाई कि z1 / z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, वेरी गुड। देखो मुझे ना कॉमेंट सेक्शन में भी जब वीडियो ख़त्म भी हो जाएगी दो कॉमेंट्स चाहिए, एक तो 100 minutes बेसिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर डन, अभी डन नहीं हुआ बता रही हूँ, और दूसरा जब DPP इसकी सॉल्व कर लोगे तो DPP डन, चाहे वापस आके बताना, मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चलो अब आ रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा मुन्ना मुझे एक बात बता कि तेरे पास नंबर है 26, मेरी बर्थ डेट है मेरी, ठीक है 26 नंबर है, तो मैं इसको बोलूँ कि यार ऐसा है इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिल जाए, क्या मल्टीप्लाई करूं, तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे ऑब्वियसली यार 1/26 करो, और क्या करोगे, और क्या करोगे, क्या बुलाते हैं इससे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, करेक्ट। तो उसने भी यही कहा कि कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होता है, लेकिन 1/z को हम 1/z में नहीं छोड़ते, है ना? अगर आयोटा आ गया डिनोमिनेटर में तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है एग्जैक्टली उसी का रेसिप्रोकल, ये करके देखाओ पहले ये। चलो बताओ बताओ कैसे करेंगे इसे। देखो ऐसा है, तुम्हें एक राज की बात बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ जेई का भूत आएगा तुम्हें खा जाएगा अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है कसम से और तुम लाइक नहीं कर रहे वीडियो को, जल्दी ये काम हो जाना चाहिए। z = 1 + iota, तो वॉट इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z² पहले तो उसने कहा है, सुन जरा पहले z² फाइंड कर, ठीक है? तो z² बोले तो 1 + iota² तो ये तो a + b² हो गया ना, a² + b² + 2ab, आयोटा स्क्वायर क्या है -1 है इसके साथ कट जाएगा मेरे ख्याल से, तो तुम 1 + iota² ना याद कर लो।
तो वन प्लस आयोटा होल स्क्वायर की टू आयोटा होता है, बार बार यूज होता है, ठीक है। अब क्या करूं, अब आपको कहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका बता दो, तो आप बोलोगे 1 बाय जेड स्क्वायर विच विल बी 1 बाय 2 आयोटा, यहां नहीं छोड़ सकते हम, यहां नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, आयोटा से मल्टीप्लाई, देखो 2 अपने को चलेगा, आयोटा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा अपॉन 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा, अब ये काट मत देना बुद्धू की तरह, अरे तुमने ही मल्टीप्लाई किया है, चलो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस आयोटा बाय 2। कितने बच्चों ने सी कर दिया है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बेटा, मजे आ गए, है ना, अमेजिंग। तुम ना एक्चुअली शायद रियलाइज ही कर रहे हो, तुम्हें बाद में पता चलेगा, तुम धीरे धीरे जब जे लेवल के सवालों पे जाओगे ना, तुम्हें लगेगा अच्छा यार ये सारे टर्म्स फेमिलियर है। एंड यही अगर आप टाइटल पढ़ोगे थंबनेल पे, यही कहता है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी आप पहली बार कर रहे हो, या फिर आप सिंपली अपने बेसिक्स को रिवाइज करना चाहते हो, देन दिस सेशन शक्ति रखता है आपको 70 मिनट के अंदर सारी चीजें एक बार बता देने की, ठीक है। चलो आ जाओ, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, भैया दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल कब बुलाओगे, सिंपल है, जब उसका रियल पार्ट रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाता है, है ना, ठीक है, हो जाता है, सुपर। तो अभी करो ना, करो ना, करो ना, कर लो ना, फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर फॉर दिस, दिस इज, अरे बाबा ये तो घनघोर पाप है, क्या कह रहा है वो, हमेशा ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, दुखी मत हो। माइनस आयोटा टाइम्स 2x प्लस y इज इक्वल टू 2 आयोटा, सुनो जरा, 2 आयोटा को मैं 0 प्लस 2 आयोटा लिख सकती हूँ। अब उसने कहा दो नंबर बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, रियल को रियल के साथ इक्वेट कर दो, यो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कर दो, यो यो, ठीक है। तो रियल पार्ट्स को आपने किया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही है ना रियल पार्ट, रियल पार्ट मतलब फ्री फ्रॉम आयोटा इज इक्वल टू 0। इमेजिनरी को किया माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 2, आयोटा मत लिखना वो तो वैसे ही कट जाएगा, हाँ जी। तो बेटा ऐसा है, ये दो आ गए हैं, अब अपे इनको सॉल्व करते रहना, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, y इज माइनस 2 माइनस 2x, ठीक है, इसको उठा के ठूस दो इसके अंदर, चलो जल्दी जल्दी करो। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह क्या करोगे, माइनस को आप ऐसे लिख लो ना, 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अभी अपने आप ही कर लो ना, क्या ही बताऊँ मैं इसमें, 2 को भी बाहर निकाल दो, ठीक है, ये क्या बच जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। कसम से हम आएंगे, ठीक है। तो 4 को कॉमन, माइनस 4 को कॉमन ले लूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ये तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया बेटा, क्या बात है। तो यानी x आपका 1 आ गया है, मुबारक हो। y आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस x माइनस 4, तो x माइनस x 1 आ गया है, y माइनस 4, चेक कर लेते हैं। अरे अरे अरे, कुछ तो गड़बड़ कर दी, कुछ तो गड़बड़ कर दी, है ना। नम 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 नम, एक मिनट देख लो, 2x प्लस y इक्वल टू माइनस 2, ओके, एंड x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0, वेरी ओके। अच्छा, तो इसके अंदर आई थिंक आप पुट करोगे, जैसे भी कर लेना, आई थिंक कुछ तो कहीं कैलकुलेशन एरूर हो गया है, एरूर, कोई बात नहीं, इसे कर लेना अपने आप। फिर एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है, ठीक है, कुछ आई थिंक ऊपर नीचे हो गया होगा, हाँ माइनस 8x है, हाँ यार माइनस 8x था, कर लेना कैलकुलेशन, कहीं तो चूक हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, इस वाले पे आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेहा मैम, काफ़ी कुछ तो आपने बता दिया, अब ये भी तो बता दो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैं ग्राफ पे कैसे बनाऊं। तो एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई एक्सिस मुझे बनानी आती है, इसको मैं बनाऊं तो एक्स एक्सिस का नाम होता है रियल एक्सिस,
एंड वाई एक्सेस को नाम दिया गया है इमेजिनरी एक्सेस, बाकी सब ठीक बस चल रहा है, बाकी सब बस वैसा ही है, समझ रहे हो। एंड इस प्लेन को क्या बोलते हैं, जैसे वहां पे कार्टेशियन प्लेन बोलते थे, यहां पे आप बोल सकते हो आगंड प्लेन, आप बुला सकते हो गॉसियन प्लेन, या आप सिंपली बुला सकते हो इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन। एंड बिल्कुल जैसे मतलब बिल्कुल जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट करते थे ना, वही काम यहाँ पे होता है। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि अरे यार 2-3 आयोटा को प्लीज आगंड प्लेन पे बना दो, प्लीज नहीं बोलूंगी, वैसे मैं बोलूंगी बना दो, ठीक है। तो आप बोलोगे यार नेहा मैम कैसी चीजें पूछ रहे हो, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो 2 ये है, 3 ये है, लो हो गया मतदान, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर मांगा था, ये रहा। मुश्किल था यस ऑर नो इन द चैट्स, जल्दी से, ठीक है ना। बहुत सही, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे एक टॉपिक से, आपको रूबरू करवाते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक जो मैं इतनी देर से बोल रही थी ना, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लो, इट बेसिकली मीन्स कि आप ऊपर नीचे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है एवरीबडी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर जेड ए प्लस आयोटा भी है, पहले तो देख लो यार जेड कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं, ऐसे जेड बार की तरह, एंड जिसका इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाता है। देखो मैं इसको याद करने के लिए कहती हूँ, देखो रियल तो फिर रियल लोग ही होते हैं ना, वो किसी भी सर्कमस्टांस पे नहीं बदलते, वैसे ही रियल पार्ट तो रियल पार्ट ही रहता है, लेकिन इमेजिनरी जो है वो धोखा दे जाता है, समझ रहे हो ना, जो फेक लोग होते हैं वो बदल जाते हैं। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली देखूं, x प्लस आयोटा वाई यहाँ बनाया है, तो इसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई इसी की मिरर इमेज होता है x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट। जैसे मैं आपको बोलूँ 2+3 आयोटा है ना, तो आप लपड़ झपड़ करके इधर कर दोगे। मैंने आपको बोले यार कॉन्जुगेट लिखो इसका, आप बोलोगे 2-3 आयोटा, मैं बोलूँगी अब बनाओ, तो आप लपड़ झपड़ करके ये बना दोगे। तो ये जेड है, ये जेड कॉन्जुगेट है, यस और नो। चलिए आगे बढ़ दें, एक मिनट, करेक्ट जाओ, सुपर। अब देखो मैंने बोला था यार इसको ये अटक जाएगा अगर तुम लोग प्यार नहीं दिखाओगे, नहीं दिखा रहे। अच्छा कुछ बेसिक सी नन्नी मुन्नी सी प्रॉपर्टीज, क्या ज्यादा हाईफाई नहीं कर रहे क्योंकि बेसिक्स वाला सेशन है। क्या Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट हो, तो इसका मतलब Z1 का इंडिविजुअली ले लो कॉन्जुगेट, Z2 का इंडिविजुअली, सेम थिंग फॉर माइनस ऑल्सो, ठीक है। प्रोडक्ट हो तब भी इसका मतलब है दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग ले लो, कैसे यार। मैंने आपको बोला एक नंबर है 2+3 आयोटा एंड 1+ आयोटा, तो मैं कह रही हूँ कि यार या तो आप पहले इन दोनों का प्रोडक्ट लेके फिर कॉन्जुगेट लो, या फिर अलग अलग से दोनों का कॉन्जुगेट लेके, ये इसका 2-3 आयोटा हो जाएगा, 1+ आयोटा का कॉन्जुगेट 1-माइनस आयोटा ले हो जाएगा, और अब इसका ले लो प्रोडक्ट, तो इन दोनों का आंसर बराबर आएगा। तो अब नीड ऑफ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको जो सही लगे आप कर सकते हो, यस। सेम वे डिविजन में होता है, ऑब्वियसली यार Z2 कांट बी जीरो, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको मैं बता देती हूँ कि अगर आप दो कॉन्जुगेट, अगर आप नंबर उसके कॉन्जुगेट को ऐड करते हो तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, बहुत ही चिटर पुटर सी चीज़ है। क्या जेड अगर मैंने बोला जेड यार ए प्लस आयोटा भी है, तो जेड कॉन्जुगेट क्या है, ए माइनस आयोटा भी, तो मैंने बोला यार ऐसे पहले तू ऐड कर दे, तो आपने कहा ठीक है कर दो ऐड, आयोटा भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 2a, और मैं बोलूँगी सुन 2a क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड ही तो है a, तो इससे जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2 इज रियल जेड, आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो।
है ना, 1000 लाइक पे गाना गाएंगे बिल्कुल। अगर मैंने बोला यार तू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट कर दे, तो आपने बोला यार ए ए कट जाएंगे इस बार टू आयोटा बी आ जाएगा, तो मैं बोलूँगी कोई नहीं फिर ये तो हो जाएगा टू आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। आप भी खुश हो जाओगे, आप बोलोगे हाँ यार देख तूने रिजल्ट दे दिया। राइट, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत बहुत बिल्कुल जी। जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जेड ही दे देगा ऑब्वियसली। यार मैं आपको बोलूँ टू का नेगेटिव लिखो, आप लिखोगे माइनस टू, मैं बोलूँगी आप माइनस टू का भी नेगेटिव लिख दो, आप बोल दोगे टू, मतलब ये तो वही बात होगी। लेकिन यार ये देखने में बड़े हल्के फुल्के से रिजल्ट हैं, बड़े तगड़े हैं, बड़े काम आएंगे क्वेश्चंस करोगे जब। ओके, इसका कॉन्जुगेट लिख दो एक बार चार्ट सेक्शन में, तो मैं मानूं कि तुम्हें ये आ गया टॉपिक। चलो 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 सीक्वेंस क्या करेंगे। देखो अब इसके तरफ दो रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता, Z को आपने ये लिया, अब आपको नोरा फतेही की तरह हाय गर्मी टडंग, मतलब समझ रहे हो, मतलब कि एलर्जी हो गई तो आप करो हाय एलर्जी, समझ रहे हो कि यार ये तो नहीं चलेगा, मुझे ये क्या है, मैं कॉन्जुगेट तो तब निकालूं भाई, ये तो पहले स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही नहीं है। तो आपने कहा देखो मेथड वन में मैं क्या करूँगी, मैं इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊँगी, तो ऊपर नीचे ऑब्वियसली इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूँगी ताकि एक बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स नंबर अपने सामने आए। ओपन करो 6 + 3i + 4i + 2i² मैं इतने स्टेप इसलिए लिख रही हूँ कि ये बेसिक वाला सेशन है, वरना अब तक मैं आंसर लिख चुकी होती, ठीक है। अच्छा ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा 4 - i² आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, ठीक है। 6 - 2 = 4 + 7i आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, ये हो गया। अरे दोस्त अब मैंने इसका कॉन्जुगेट मांगे तो आप बोलोगे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और आप ऐसा है बाएं हाथ से पेन पकड़ के लिख देना आंसर, ठीक है। एंड फिर बाएं से या दाएं से वो आपकी मर्जी है, ए ऑप्शन को मार्क कर देना। कई बच्चे बी मार्क कर रहे हैं, बी है कि ए है। बॉस कॉन्जुगेट मांगा है आपसे, कॉन्जुगेट मांगा था आपसे, ठीक है। तो एक तो यार ये तरीका है ना, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका फिर क्या हो सकता है नेहा मैम। तो मैं मेथड टू के लिए ना मेथड टू करती हूँ। मैंने बोला यार ये जेड कॉन्जुगेट मुझे इस पूरे का निकालना है आंसर, तो प्रॉपर्टी यूज करके आप बोलोगे कि ये कॉन्जुगेट इसका भी है और इसका भी है, तो आप बोलोगे 3 - 2i + 2i एंड अब आप इसे हाय गर्मी करना। देखो आंसर तो इससे भी वही आना है, मर्जी आपकी है, समझ गए। तो आप क्या चुनना चाहेंगे दोस्तों, मेथड वन या मेथड टू? ओहो जल्दी बताओ इन द चैट्स, क्या यूज़ करोगे, मेथड वन या मेथड टू, आप पे आप बता सकते हो मुझे। अल्टीमेटली ना दोनों में ही सेम काम ही कर रहे हो, इसमें पहले रैशनलाइज कर रहे हो फिर कॉन्जुगेट ले रहे हो, इसमें पहले इंडिविजुअली कॉन्जुगेट ले रहे हो फिर रैशनलाइज कर रहे हो, बात तो एक ही है ना। बस चलिए, ये क्या लिखा है नेहा मैम, ये कैसा सवाल दे दिया आपने, ये कैसा सवाल दे दिया आपने, करके दिखाओ तो मानू, करके दिखाओ तो मानू, मतलब तब मेरे को लगे हाँ क्वेश्चन आता है बच्चों को। आराम से पढ़ो, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, यानी किसी भी एक को लो दूसरे का कॉन्जुगेट बना दो। तो मैंने बोला दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, तो मैंने किसी भी एक को ले लिया, मैंने बोला यार जो इसका कॉन्जुगेट है ना वो इसके बराबर है,
ठीक है, इसी तरह से इसका कॉन्जुगेट इसके बराबर होता, कोई भी एक फॉर्मेट ले लो आप, एंड आपको एक्स एंड वाई फाइंड करना है. ओके, सो व्हाट शल आई डू, है ना, व्हाट शल आई डू. आपने इसका लिया, रियल तो रियल होता है, ये नेगेटिविटी फैलाएगा. अब आप क्या करोगे, आपको पता है यार कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप पे इक्वेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट हियर, वेरी नाइस. एंड इमेजिनरी पार्ट ये क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4. वाओ दोस्तों, इन्हें क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? यस, आप इसे सॉल्व कर पाओगे बच्चा, जल्दी बताओ. आई थिंक कर ही सकते हैं इसको, तो इसमें तो कोई ऐसी दुख तकलीफ पीड़ा है नहीं हमें. एग्जैक्टली तो अभी आप ये क्या ही करोगे ना, ये एक्स स्क्वायर को चाहो तो आप ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर इज माइनस 4 बाय वाई, इसके अंदर ठूस दो, माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4 बाय वाई प्लस वाई. ओके, तो 3 इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख देती हूँ पहले तो इस माइनस का खात्मा करूँ, 3y इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि y प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0. दो दो फैक्टर आ गए हैं आपके, तो y अगर माइनस 4 हुआ तो एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय माइनस 4 1 हो जाएगा, यानी x प्लस माइनस 1 हो जाएगा, सही. और अगर आपने y को 1 लिया तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, नम नम नम, माइनस 4 बाय 1, यानी माइनस 4, ये नहीं चलेगा. देखो वैसे तो आप इसके आंसर प्लस माइनस 2 iota लिख सकते हो, लेकिन उन्होंने स्पेशली एक बात बोली है तुम्हें, फाइंड ओनली रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो क्या होगा, ये पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यूज हैं. तो x 1 y माइनस 4 या x माइनस 1 y इक्वल टू माइनस 4, इसको हम दूसरे वाले को हम रिजेक्ट कर देंगे, दूसरा वाला है कहाँ, पहले ही गोली मार दी उसको, हाँ इसको हमने रिजेक्ट कर दिया. यस, हो गया. अब हम मॉड्यूलस पे आएंगे, समझ रहे हो, मॉड्यूलस पे आएंगे. यहाँ पे यार लाइक वाइक नहीं दिख रहे हैं मुझे, तुम्हारे अगले दिन का सेशन भी रेडी हो चुका है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, तो हम थोड़ा सा ऑर्डर इसको अलग कर रहे हैं, लेकिन बिलीव मी सारे के सारे टॉपिक्स खा जाएंगे. आ जाओ, क्या कहता है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. तो डिस्टेंस के लिए क्या रे, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, अब ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालोगे, ये 0 0 है, ये एक्स वाई है, कैसे लिखोगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो एक्स और वाई क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, बस इसी को कह देते हैं मॉड्यूलस, ठीक है, इसी को कह देते हैं मॉड्यूलस. इसकी बहुत ही चुट्टू मुट्टू पुट्टू सी प्रॉपर्टीज हैं, क्या कहती हैं सुनिए जरा. मॉड जेड अगर 0 है तो जेड भी 0 है. और इसको ना एक और टैटू बनवा लो तुम अपने हाथ में, क्या, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर. ओए होए 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 बेटा, ये तो प्रॉपर्टी ना ओए होए है बिल्कुल, मतलब इसका तो सारे के सारे बच्चे टैटू बनवा ही लो, ठीक है, कहीं भी यहाँ बनवा लो इस बारी. बहुत ज़्यादा आपका जेई के पेपर में भी सवाल देखोगे ना, भरे बड़े होते हैं इस क्वेश्चंस के, क्या क्या रहा है ज़रा समझो. मैं यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाती हूँ. तो जेड अगर मान लो मेरा ए प्लस आयोटा भी है, ठीक है, तो जेड कॉन्जुगेट क्या है, ए माइनस आयोटा भी. तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या है, आप बोलोगे ए प्लस आयोटा भी इंटू ए माइनस आयोटा भी. तो ये तो यार एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाली फीलिंग हो गई. तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. वाओ,
ठीक है, एंड मॉड जेड अगर मुझे लेना है वो तो हमने अभी पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला की तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो मुझे तो यही मिल जाएगा। एक स्माइल आ गई है तुम्हारे चेहरों पे, दिख रहा है मुझे, यस और नो? ये काफी वैलिड सवाल आ रहा है बच्चों का कि अगर हम ऐसे ऐसे टैटू बनवा लेंगे तो एग्जाम में हमें बैठने कैसे दिया जाएगा। टेम्प्ररी बनवा लो, एग्जाम तक याद हो जाएगा। ठीक है, चलो, दिस इज क्यूट, हो गया। अब मैंने बोला ये जेड का मैं मॉड लूँ या उसके कॉन्जुगेट का मॉड लूँ, एक ही बात है, एक ही बात है। कैसे यार, ऐसा कैसे? हाँ देखो जरा, जेड का मैंने मॉड लिया तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, जेड अगर ए प्लस आयोटा बी है, जेड कॉन्जुगेट क्या है? ए माइनस आयोटा बी। तो इसका अगर मैंने मॉड लिया तो कौन सी रॉकेट साइंस हो गई बॉस? यहाँ भी तो यही है, अरे ये भी तो वही है, ये सुनो, प्रोडक्ट ले लूं या डिविजन ले लूं तो मॉड स्प्लिट हो जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, थोड़ा सा हाई लेवल चला जाएगा, वो आज नहीं डिस्कस करेंगे। आप देखना चाहते हो तो tinyurl.com/jeeviwithneha मैम में कॉम्प्लेक्स नंबर के सेशन जाके एक थ्योरी वाली पार्ट देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आज बेसिक्स के सेशन में उतना हाई फंडा नहीं जाएंगे। अच्छा एक और बात, अगेन ये भी टैटू कराने लायक प्रॉपर्टी, ये भी टैटू कराने लायक प्रॉपर्टी। मैडम आप जो बातें कर रही है ना, आप पेरेंट्स विल थ्रो अस आउट ऑफ द हाउस अगर हम इतने सारे टैटू कर देंगे तो। ठीक है, बट सुन लो, मैंने बोला यार आप मॉड जेड रेस टू पार्ट 10 निकालो या जेड रेस टू पार्ट 10 का मॉड निकालो, एक ही बात है, और ये यार बहुत बढ़िया बात है। कैसे? समझो, मैंने आपको बोला 1-2 आयोटा रेस टू पार्ट 10 का मॉड निकालो, आप क्या बोलोगे? हम मर जाएंगे, हो हम मर जाएंगे। आप बोलोगे पहले मैं इसको बाइनोमियल की तरह खोलूं, फिर रियल पार्ट्स मिलाऊं, फिर इमेजिनरी पार्ट्स मिलाऊं, गला ही खराब हो गया है, फिर तब तक तो मर ही जाएंगे ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं इट इज़ द सेम एज सेइंग कि आप सिर्फ 1-2 आयोटा का मॉड लो और उसको रेज़ टू पार्ट 10 करके लिख देना, फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा ये 1+-2 होल स्क्वायर एंड इसका रेज टू पार्ट 10, तो ये क्या आ जाएगा यार, ये तेरा आ जाएगा √5 रेज टू पार्ट 10। कहानी खत्म, पैसा हजम। ठीक है, पैसा तो तुम दिए ही नहीं हो, मतलब ऐसा देखो मैं थंब बनाने की कोशिश कर रही हूँ, थंब समझ रहे हो ना, ये कर दो, कोई हंसेगा नहीं नेहा मैम की ड्राइंग पे, ऐसे टूटे हुए अंगूठे के साथ लाइक जरूर कर दो अगर मजा आ गया तो। ठीक है जी, चलिए, तो इसलिए हम मरे नहीं, इसलिए ऐसे ऐसे अमेजिंग रूल्स बने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, करेक्ट? ये बताओ जरा इनमें से कौन सा पॉइंट फार्देस्ट फ्रॉम ओरिजिन है, कैसे पता लगाऊं मैं इसका? हाँ जी, कैसे पता लगाऊं मैं इसका? चलो विच वन इज फादेस्ट, तो आपने बोला यार आयोटा का मॉड ले लो, क्या होगा? आयोटा को 0+ आयोटा भी लिख सकते हो ना, 1 ही होगा। -2+ आयोटा का मॉड ले लो, क्या होगा? -2² + 1² तो √5 होगा। एंड 3 का मॉड ले लो, 3 क्या होता है यार, मॉड 3 तो 3 ही होगा ना, कौन सबसे बड़ा है? 3 सबसे बड़ा है, तो फार्देस्ट फ्रॉम ओरिजिन कौन सा है? 3, सही है, वेरी गुड। फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर,
आंखें बाहर, सोचो सोचो क्या करेंगे, सोचो सोचो क्या करेंगे। नहीं, हवन नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले तो आप इसको अगर देखो, दिस इज 1 + 2 iota, इसको मैं ओपन करूं तो 1 - 1 एंड ये आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिख लो, तो आयोटा आयोटा खेल लो फिर तुम। ये क्या हो जाएगा, आयोटा प्लस 2 iota² अपॉन आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आयोटा माइनस 2, ये आ जाएगा माइनस 1, ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। तो ये है तुम्हारा नंबर। अब तो ये तो मन में ही कर सकते हो, मॉड जेड है ना। तेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे। कितने बच्चों का आ गया, क्या बात है, बहुत सारे हार्ट, हार्ट ही हार्ट। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, अमेजिंग। मैं सच्ची सच्ची बता दो, सेशन लाइक किया क्या, इतना तो बनता है। डन नाउ, आते ही कर दिया, झूठ बोल रहा था अब कर दिया, क्या किया तुमने, सच्ची सच्ची बताओ। तुम्हें अगर ये वाली PDF चाहिए ना, तो तुमको कम से कम 1000 लाइक करने पड़ेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्टिव हो जाएगी। चलो, व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ दिस। अब देखो, आपकी मर्जी है, फिर से या तो हर एक का इंडिविजुअली मॉड लो, और वही होना भी चाहिए तुम्हारे साथ। पिछले सवाल में तुम रैशनलाइज करने बैठ गए, तुमने बोला ही नहीं कि नेहा मैम दूसरा काफ़ी इजी वाला मेथड है, कि आप टेक्निकली इसकी अगर आप मॉड लो तो इट इज़ द सेम एज सेइंग कि इसका मॉड लो और इसका मॉड लो, मॉड लो और मॉड लो। तो ये मेथड 1 है, ये मेथड 2, एंड मेथड 2 इसी दिन के लिए। तो बेटा पाल पोस के, नहीं वो तुम्हारे मम्मी पापा ने बड़ा किया था, नेहा मैम ने प्रॉपर्टी बताई थी क्या, 1 + 4 एंड इधर तो 1 ही है, तो √5 आ गया ना इसके अंदर, मेथड 2 से तो प्यार ही हो जाएगा। तो अब बताओ मुझे इसका क्या करूँ, व्हाट इज़ द मॉड्यूलस ऑफ दिस। तो आप बोलोगे नेहा मैम ऐसा है, आपको इसका मॉड्यूलस चाहिए, तो इसको तोड़ दो। रैशनलाइज करना हुआ पुराना, मॉड का है जमाना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब बाएं हाथ का खेल है, तो इसका मॉड्यूलस निकाल दो, कैसे, 4² + 2² ठीक है, अपॉन √1² + -2². वाओ, ये क्या हो गया, 16 + 4 √20, अयो, एंड दिस विल बी व्हाट, 4 + 1 √5, वेरी अयो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, √20 को कैसे लिख सकते हो, 2√5/√5। आहा, क्या बात है, अमेजिंग। मेरे ख्याल से तो तुम्हें ही मजे आ गए होंगे, इतना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन किया हमने, है ना। तो देखो कितने बड़े बड़े सवाल थे, और देखो ये ऐसे लोग कर रहे हैं, बताओ ऐसे इतनी मेहनत कर रहे हैं, हट, इसको कहेंगे क्या, ये है आम जिंदगी की रैशनलाइज, की भैया हमने रैशनलाइजेशन सीख ली तो अब हम और कुछ करेंगे नहीं, और ये है नेहा मैम की आर्मी की जिंदगी, समझ रहे हो, ये है नेहा मैम की आर्मी की जिंदगी। ऐसा मतलब समझो ना, ऐसा धाकड़ है, धाकड़ है मेथड, धाकड़ है, समझ रहे हो। चलिए इसी के साथ दोस्तों, फटाफट से एक स्माइली बना दो, ताकि सबके चेहरे पे आ जाए मुस्कान, राइट। कैसा लगा सेशन, मुझे सच्ची सच्ची बताओ, आपने एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, कैसा लगा। एंड पता है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने आज के आज ही कवर कर दिए, तुमको कहानियों की तरह, तुमको गानों के साथ, तुमको छोटे छोटे एग्जाम्पल एंड कॉन्सेप्ट्स के साथ, हमने आज कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी ख़त्म कर दिया है। सो, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रही हूँ, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, दिस इज़ बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कैसा था,
तो मुझे कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे हमारे कमेंट करें। क्या क्या कमेंट करोगे? क्या था सीरीज का नाम? 100 मिनट्स डेली डोज बेसिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स डन। और डीपीपी जो इसकी थोड़ी देर में शेयर होगी आपके मैथमेटिकली इंक्लाइंड के टेलीग्राम ग्रुप पर, वेरी सेफ टू ज्वाइन, क्योंकि आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स हाइड हो जाती है, ठीक है, उसके फाइल सेक्शन में थोड़ी देर में ही आपको मिल जाएगी। लेकिन किंतु परंतु अगर आपको ये मेरे हैंड रिटन वाली सारी चीज़ों के साथ नोट्स चाहिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वीडियो को फटाफट से 1000 लाइक्स पर पहुंचाना है, डन करना है। एंड उससे पहले कल की जो वीडियो है जो इस वक्त आपके लिए पिन हो चुकी है लाइव सेशन में, इधर आजा बेटा, किधर है बेटा मोंटू, मोंटू सुन नहीं रहा, चल ये रहा। हमें एक चैलेंज लगाया कल के सेशन में। ओहो सर ने एक चैलेंज लगाया, सर कह रहे हैं इस वीडियो को, क्या चैलेंज है सर? मैम देखिए पोल लगाया, गायब हो गया, मैम फ्रेश कीजिए। अच्छा ऐसा, आप हमसे रिफ्रेश कराएं? ऐसा पोल लगाया ना, ये वाला नहीं मैम, ये आपने कर रही सर, कर रही कर रही। अच्छा उस पे करा है? हाँ जी। सीक्वेंस सीरीज पे जी। तो सीक्वेंस सीरीज का पोल है, सेशन 500 लाइक्स पे ही स्टार्ट होगा, ठीक है कर देंगे, चैलेंज है नहीं होंगे। सर इसका क्या मतलब हुआ सर? आप मेरे बच्चों को चैलेंज कर रहे हो? बच्चों इज्जत की सवाल आ गया यार अब तो, कम ऑन, ये तो इज्जत की बात आ गई है, ऐसा नहीं होने देंगे। अभी के अभी सभी के सभी फीस पूरी भर के जाएंगे। जैसे कि अगर आज भी कई बच्चे नए जुड़े हैं इस चैनल से, तो आपको बता दिया जाए इस चैनल की जो वाइब है, जो स्वैग है, वो थोड़ा अलग है किसी भी और यूट्यूब चैनल से। तो मैं कभी भी ये नहीं कहती कि हम बेस्ट पढ़ाते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम तो आसमान पे चढ़ के पढ़ाते हैं सीधा मून से, नहीं। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि दिस चैनल इज नॉट अ बिजनेस, इट्स सोल पर्पज इज नॉट टू टेल यू कि आइए ये वाला देखो सब फ्री है, सब फ्री है, फ्री सीरीज है, फ्री सीरीज है, एंड अल्टीमेटली जाकर ये कोर्स खरीद लो। दैट इज नॉट द वाइब एंड स्टाइल ऑफ मैथमेटिकली इंक्लाइंड। मैथमेटिकली इंक्लाइंड स्टैंड्स फॉर फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, जो आपको यूट्यूब पर ही मिल रही है पिछले कई सालों से, जहाँ पर एक टीचर आपको भरपूर, मतलब जैसे कहते हैं ना, लिटरली आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव इट ऑल टू यू गाइज, जितनी मेहनत मेरे से हो सकती है। एंड दैट्स वाई वी स्टार्टेड ऑफ विथ दिस फाउंडेशन सीरीज, कि हाँ यार कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब दिस इज लिटरली बिगिनर्स कोर्स, जिन्हें लगता है कि हाँ यार हम कर लेंगे, भैया मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर्स करना है, मुझे सी नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है यार होता क्या है उसके अंदर, तो आपको एक फेमिलियरिटी आ जाए, आपका डर खत्म हो जाए। इसलिए ही हमने 21 दिन का चैलेंज लिया है, हर दिन हम एक टॉपिक को ख़त्म करते जा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं कोई भी और टॉपिक है जिस पे आप अलग से वीडियो चाहते हो, ध्यान से देख लेना, बहुत ही इलैबोरेट लिस्ट है, ऑर्डर पे मत जाओ, सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ये वादा है। ये प्लेलिस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे, यू विल इवेंचुअली गेट ऑल दीज सेशंस ओवर हियर, राइट। लेकिन एक तो आपको अपनी करंट वीडियो को पहुँचाना है 1000 लाइक पे, एंड ये जो सर ने बहुत बड़ा वाला चैलेंज दे दिया ना, ये लिटरली भैया ललकार दिया है मेरी आर्मी को, तो ये काम फटाफट से करो। एंड जो बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं मैम ये तो हो गया, आप हमको इतना बताइए कि हम जेई लेवल का कहाँ से पढ़ें? क्या आप जेई लेवल नहीं पढ़ाओगे? देखो मैं तो इवेंचुअली और नए नए सेशंस लाऊंगी आपके आगे जेई लेवल के लिए भी, लेकिन आपको समझना होगा कि आपको वेट नहीं करनी। आप अगर tinyurl.com/jeevithneha mam को चेकआउट करते हो, देन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके जेई लेवल के हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप और भी थ्योरी करना चाहते हो, आज तो हमने बेसिक्स किए, आप इस सेशन पे जाइए, कंप्लीट थ्योरी है, जितना आता है उसे स्किप कर करके देखो, राइट। बहुत मेहनत हुई है इन सेशंस पे, उसके बाद 23, 22, 21 ऐसे ही पीछे पीछे जाते जाओ। पिछले आपको लगभग, मतलब 8 से 10 साल के PYQs के टारगेटेड सेशंस मिल जाएंगे, NTA के नए नए क्वेश्चन, सेंगेज बुक के सवाल, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस वीडियो को आगे आगे स्क्रॉल करोगे, इस PDF को, आपको मॉक पेपर्स, आपको JEE एडवांस की सीरीज,
सब कुछ मिल जाएगा, आपकी यूनिट वाइज मैराथन्स। बेटा ये कंटेंट मैं जैसे हर बार बोलती हूँ, क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ये सच है एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर मी, आई स्वेयर व्हेन आई से दिस, कि ये सारे जो मैं जितना कंटेंट ऐसे दे रही हूँ ना, इन सबको एक मैंने बोला बिगिनर्स कोर्स, ठीक है, और इस सारी वीडियो को एक कोर्स में डालकर अगर मैंने आपको कह दिया मासूम सा ही 500 का कोर्स है, 1000 का कोर्स है, आई एम श्योर इतना मुश्किल नहीं होगा एंड आई एम श्योर आप लोग तब भी यू वुड वॉन्ट टू डू इट, बट आई वॉन्ट टू कीप इट दिस वे, बट द ओनली सपोर्ट आई नीड फ्रॉम यू गाइज इज कि एक तो अपने जूनियर्स को ज़रूर बताओ, तुम्हारी क्लास के कितने बच्चे हैं ईमानदारी से लिखो जिन्हें मैथमेटिकली इंक्लाइंड के बारे में पता है, येस और नो इन द चैट्स, कितने बच्चे हैं, क्योंकि आज भी एंड इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी टू नो दिस कि यार बच्चे बोलते हैं कि हम तो कोई वीडियो ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते आपका चैनल मिल गया और फिर हम हुक हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा प्यारा सा जो 15 लाख बच्चों की आर्मी है, ये बहुत मेहनत से और पढ़ा पढ़ा के बनी है, राइट एवरीबडी। तो जैसे मैंने कहा तुम्हारी क्लास में, तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे हैं जिनको मैथमेटिकली इंक्लाइंड के बारे में पता है, नहीं पता तो बताओ और ये चैट में मुझे बता के जाओ, एवरीबडी, यस एवरीबडी। एंड इफ यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू विद द सेम स्पिरिट एंड वाइब, तो तुमको भी यार देखो मुझे भी अजीब लगता है जब मैं बोलती हूँ लाइक कर दो, बट यार फीस तो अपने कोर्स की हर कोई मांगता है ना, तो आप यही समझ लो यही मेरी गुरु दक्षिणा है, अच्छा लगता है। कमेंट ज़रूर करके आना, ठीक है, ईयर कॉम्प्लेक्स नंबर्स डन, बताना मुझे कि क्या आपको अच्छा लगता है इन सेशंस में, ज़रा प्यार भरे दिल शिल और जो भी आपका मन करे ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। कितने सारे बच्चों के बच्चे अपने स्टोरीज अपने एनेक्डोट्स लिखते हैं विच इज़ सो लवली टू रीड, एंड आई ट्राई टू लाइक ईच एंड एवरी कॉमेंट एंड रिप्लाई ऑल्सो कितनी बार, राइट ठीक है। तो अभी के अभी आई वॉन्ट टू सी 100 लाइक्स ऑन दिस, सर बोल रहे हैं मैं टेलीग्राम पे तभी शेयर करूँगा BPP। चलिए जल्दी से ये काम करें, ओके ऑसम, तो जल्दी ये काम हो जाना चाहिए एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून अगेन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड बींग हियर माई आर्मी, मिलती हूँ कल दोबारा आपसे, ठीक है, टिल देन बाय बाय। एंड अगर इनके अलावा कोई